केशव के अंगद रावण संवाद अंश को हम देख रहे हैं, उसी क्रम में आगे पिछली बार हमने अंगद के द्वारा जब रावण को राम के चरणों में झुकने के लिए कहा जाता है और क्षमा मांगने की बात करते हैं, उसी के प्रत्युत्तर में रावण कहते हैं कि लोक लोकेश स्यों सोची ब्रह्मा रचे अपने अपने सीम सो 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 रहे चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे बात सांची चहे वेदवाणी कहे ताही भ्रू भ्रंग ही देव देवेश स्यों विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जु संगरे ताही हूँ छांडी के पाए काके परूं आजू संसार तो पाए मेरे परे। जब अंगद के द्वारा रावण को राम से माफ़ी मांगने की बात कहते हैं तब रावण कहता है कि इस संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा हैं, ऐसा सभी लोग इस लोक परलोक में सभी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना करी है और चार हाथ धारण करके विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, यह बात वेदवाणी भी कहती है। इसके बावजूद भी सभी तरह के देवी देवता मेरे यहाँ बंदी हैं या मेरे द्वारा उनका रुद्र के समान संहार किया गया है, सभी देवी देवता बंदी है, ऐसे में मैं राम जैसे एक मामूली व्यक्ति के आगे पांव क्यों पड़ने जाऊँगा, क्योंकि सारे देवी देवता तो मेरा आदेश मानते हैं। और ताही हूँ छांडी के पाए काके पड़ूँ, आज संसार तो पाए मेरे पड़े, सारा संसार मेरे पांव पड़ता है और तुम कहते हो कि मैं उस मामूली राम के चरणों में अपने आप को गिरा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। सारी सृष्टि देवता और इस संसार के रचना और पालन करने वाले सब मेरे अधीन हैं और तुम उसके आगे मुझे समर्पित करने की बात करते हो, उसके आगे झुकने की बात करते हो, यह असंभव बात है, मैं नहीं झुकने वाला हूँ। तो रावण इस पद में अपना अहंकार दिखाता है और कहता है कि सारा संसार सृष्टि मेरे हाथ में है और मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूँ, जिस किसी को भी मेरे से प्रतिस्पर्धा करनी है वो आके मुझसे करे। और लेकिन रावण के मन में एक शंका पैदा होती है और वो कहता है ये राम कौन है जिसका तुम बार बार जिक्र कर रहे हो, राम को काम कहाँ, राम क्या काम करता है जिस राम की तुम बात कहते हो कि उसके चरणों में आके गिर जाओ उनसे क्षमा याचना करो। तब अंगद उनको कहते हैं कि रिपु जीते ही कौन कौन रिपु जीतियो कहाँ, और रावण उनसे संवाद करते हुए पूछते हैं कि यदि तुम कहते हो कि राम दुश्मनों को जीतने वाला है तो किन किन को जीता है यह भी तो तुम बताओ। तो बाली बलि छल सो भृगुनंदन गर्व हरियो द्विज दीन महा, अब वो कहते हैं उत्तर देते हैं अंगद कहते हैं कि महाबली जो बाली था उसको उन्होंने हराया है। तब अंगद कहते हैं कि उसको इन्होंने छल से हराया है, छल कपट से। भृगुनंदन गर्व हरियो, भृगुनंदन का गर्व हरा, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो एक मामूली ब्राह्मण था, परशुराम का जो दर्प उन्होंने हरा था राम ने, लेकिन रावण कहता है वो तो मामूली ब्राह्मण था, उसका दर्प हरना कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। फिर आगे अंगद जवाब देते हैं कहाँ वो ब्राह्मण था, कहाँ दीनहीन था, दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यो बिन प्राण ने हे राज कियो, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले उस परशुराम को आपने एक मामूली गरीब ब्राह्मण कैसे मान लिया, जिसने हे राज जैसे इतना प्रतापी राजा को मारा था, ऐसे बहादुर और क्षत्रिय ब्राह्मण को आपने कमजोर कैसे मान लिया, हे कौन। फिर आगे रावण प्रश्न करते हुए पूछता है कि ये हे राज कौन है, तो फिर अंगद आगे कहते हैं कि वह बिसरियो आपने उसको भुला दिया, जिन खेल थे तुम्हें बांधी लियो, जिसने खेल खेल में तुम्हें बंधक बना लिया था, उसी है राज को परशुराम ने हराया था और परशुराम का दंभ है वह राम ने तोड़ा था, इसलिए तुम राम के उसकी शरण में आ जाओ, उनसे क्षमा याचना कर लो और अपने आप को सुरक्षित रख लो, ऐसी सलाह यहाँ पर अंगद रावण को देते हैं।